चलो आ गए सब लोग बच्चों, लेट मी चेक। हाँ ओके, देयर आर न्यू स्टूडेंट्स आई थिंक सो, कई न्यू ज्वाइनिंग्स भी हैं जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं लेक्चर्स। ठीक है बच्चों, अगर कुछ डाउट्स रहेगा प्लीज क्लेरिफाई। ठीक है आई थिंक सो देयर आर टू और थ्री और न्यू ज्वाइनिंग्स है आज के लेक्चर्स में, आई थिंक सो और भी ज्यादा हो गए। ठीक है जो लोग आज पहले लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उनको लिंक भेजा है प्रीवियस लेक्चर का। ठीक है रिकॉर्डिंग्स जो हुए हैं ना प्रीवियस लेक्चर्स के, ऑलरेडी लिंक मैंने भेजा है बच्चों। लेकिन आज भी सिखाते वक्त एनी डाउट्स, कुछ भी डाउट रहेगा, माइन्यूट से माइन्यूट डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते हैं। इससे मैंने डिसाइड किया कि ये वीक भी हम लोग जूम पे ही लेंगे। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया था सर प्लीज जूम पे लेना ये वीक भी, फिर चाहे तो फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग ऐप पे करेंगे। ठीक है जूम पे थोड़ा सा बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ईजी होता है तुम लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए। चलो करें स्टार्ट बच्चों। एक्सक्यूज मी सर, सर जो आपने एक्स्ट्रा सम्स दिए थे उसमें का थर्ड वाला बताओ ना। स्टूडेंट डू वन थिंग, हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, मैं आज भी और एक्स्ट्रा सम्स दूंगा। ठीक है साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए, तो जो मैंने सैटरडे को असाइनमेंट दिया है और जो मैं आज असाइनमेंट दूंगा, दोनों का दोनों पार्ट को हम लोग डाउट सेक्शन में क्लियर आउट करेंगे। ठीक है आज भी मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट दूंगा अलग सम्स। ठीक है जो मैंने सैटरडे को जो सम्स आए नहीं तुम लोग को और जो आज दूंगा मैं, दोनों का पार्ट हम लोग कल डाउट सेक्शन में करेंगे। पहले हाफ एन आवर पहले कल वही क्लियर आउट करेंगे। ठीक है और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल। ओके आज एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, हो जाएगा ना एक्सरसाइज आज अपना फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके ओके सारा बोर्ड क्लियर दिख रहा है बच्चों? यस यस सर। ओके यस सर। टेढ़ा नहीं दिख रहा है ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। यस सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं विद सम, याद है ना फास्ट सम कौन सा लेसन होते जाते हैं ना ऊपर। ये सम तो छोड़ो, पहले लेसन तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। कौन सा लेसन चालू है, कौन सा लेसन चालू है बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अलजेब्रा का है ना फर्स्ट लेसन। वी हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट लेसन बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है okay so we started with sonia, extremely sorry bachcho, we started with first lesson linear equation two variables। linear equation two variables kya hota hai uska definition dekha hum logo ne, theek hai fir uske examples dekhe hum logo ne, uske baad how to identify koi bhi equation linear equation two variables hai ya nahi wo dekha hum logo ne, uske baad kya dekha, kya padhaya kiya hum logo ne, kya kya topics cover up kiye kon batayega mujhe? yes bachcho bolo कौन से टॉपिक्स कवर आप किए? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, यस वेरी गुड यार, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, यस वेरी गुड सर, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म साइमल्टेनियस, यस जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म देखा, व्हाट इज जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन बताएगा? ax + by + c = 0। यस वेरी गुड। ठीक है दिस इज जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके इसमें एक्स और वाई तुम्हारा वेरिएबल होता है बच्चों, एंड ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया प्रीवियस लेक्चर्स में। अब जो लोग नए ज्वाइन किए हैं आज, प्लीज मैंने ऑलरेडी तुमको लिंक भेजा है प्रीवियस लेक्चर्स के बच्चों, गो थ्रू द लेक्चर्स। ओके उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने,
इसके बाद क्या पढ़ा? Simultaneous. Yes, very good. Simultaneous linear equation. What is simultaneous linear equation? Can we consider two? दादा परत आला तो पोरगा. एक मिनट ना. कितने रुपए का? जस्ट मिनट बच्चा. ओके अभी नहीं है ना वो, उसको ब्लॉक और रिकॉर्ड ये रिपोर्ट कर दिया उसको मैंने. ठीक है बच्चों, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है सर. कौन से स्कूल का है उसको पता है क्या? वो कौन से स्कूल का लड़का है? तुम्हें से कोई पहचानते रहेंगे क्या? पता नहीं, पता ना. नहीं अपने कोई स्टूडेंट में से उसको तो लिंक दिखाया रहेगा ना. जैसे मैंने पूछा कौन से स्कूल का, ऐसे मेरे को स्कूल का नाम बता देंगे बराबर. एड्रेस निकला तो उसका कहाँ पे रहता है वो. चलो जान लो. ओके डोंट वरी. सो यस वी स्टार्टेड विद साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है बच्चों? व्हेन वी कंसीडर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम. अगर हम लोग दो लीनियर इक्वेशन को एक ही टाइम पे कंसिडर करते हैं तो वो इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल 2x + 3y = 5. Okay, and 5x - 3y, okay, is equals to 8 या 9. ठीक है, तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माय सेकंड इक्वेशन. तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? वी आर कंसीडरिंग बोथ द इक्वेशन एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को कंसीडर कर रहे हैं बच्चों. एक ही टाइम पे हम लोग दो इक्वेशंस कंसीडर कर रहे हैं. सच इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. सच इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन व्हेन वी कंसीडर टू इक्वेशंस एट द सेम टाइम. Okay, such equations are called simultaneously linear equation and simultaneous linear equation. एक ही time पे दो linear equation को consider करते हैं, तो वो equations को हम लोग simultaneous linear equation बोलते हैं. क्यों consider करते हैं? कौन बोलेगा मेरे को? Why we are considering both the equations at the same time? एक ही time पे हम लोग दो equations क्यों consider करते हैं? To find yes? the solution of the variable. Very good बच्चों. To find the value of the variable. दो equations को हम लोग क्यों consider कर रहे हैं? क्योंकि उसको हम लोग को सॉल्व करना है. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. जो वेरिएबल है ना एक्स और वाई जो यूज किया है हम लोगों ने, उसका वैल्यू मिलने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम पे कंसीडर करना पड़ता है. हेडिंग में क्या हो रहा है? दोनों इक्वेशन को एक ही टाइम कंसिडर करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि हमको वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है या सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन मतलब क्या? वेरिएबल के वैल्यू को ही हम लोग सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं. समझ में आया? अंडरस्टूड? ठीक है यस सर. ओके, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझ में आया रहेगा तुम लोग को. क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो वेरिएबल का वैल्यू या वो इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? वी स्टार्टेड विद प्रैक्टिस सेट 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी था. ठीक है, एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, एक एक्टिविटी तुमको असाइनमेंट दिया था बच्चों. सॉल्व एग्जाम्पल याद है ना? ठीक है, हाँ. लेटर ऑन क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोगों ने 5 सम्स कवर अप किए थे. अभी रिमेनिंग 3 सम्स हम लोग आज कवर अप करेंगे. ओके चलो लेट्स स्टार्ट कर बच्चों. यस सर. ओके ओके बच्चों, लाइव अटेंड करो भले 1 घंटा, लेकिन लाइव अटेंड करो. रिकॉर्ड में देखने में जितना मजा नहीं आता है उतना लाइव में तुम लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा लेक्चर अटेंड करने के लिए. वो हाजिर ना हो, रिकॉर्डेड लेक्चर सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर होते हैं बच्चों. चलो 1/3
1 upon 3 x plus y is equal to 10 upon 3. Okay, bachcho. And 2x plus 1 upon 4 y is equal to 11 upon 4. Board visible hai? Numbers visible hai sabko? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो जो गिवन इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, जो दिया है मेरे को दो इक्वेशंस दिए हैं, दे हैव गिवन मी टू इक्वेशंस, लेकिन द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया पता है तुमको, यहाँ पे जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स है ना, एक्स का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वाई का जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ये किसमें है, फ्रैक्शन में है, पहले ये दिमाग में रखो, ठीक है, ऐसा नहीं दिया ना इसी इक्वेशंस, कंसीडर ऐसे कुछ इक्वेशन होगा, देखो ये बहुत इजी है क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं है ना बच्चों, इनके कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं ना, कोएफिशिएंट्स मतलब ये वेरिएबल के सामने वाले नंबर्स को हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ये वाला तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वेरिएबल x का 3 है, यहाँ पे मतलब -1 है, कॉन्स्टेंट टर्म देखो, ये ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी दिखते हैं क्योंकि ये इनके कोएफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो दिया है ना कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल के कोएफिशिएंट है ना, पहले इक्वेशन में एक्स जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1/3 है और उसका कांस्टेंट क्या दिया है पहले इक्वेशन का 10/3, सेकंड जो इक्वेशन दिया है वाई का कोएफिशिएंट 1/4 है, फ्रैक्शन में दिया है और उसका कांस्टेंट टर्म सेकंड इक्वेशन का 11/4 है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्म में, देखो ऐसे इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्टली फ्रैक्शन को हमको सॉल्व करना डिफिकल्ट जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन को सॉल्व करना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना वो डिफिकल्ट जाएगा बच्चों, गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, तो सबसे इजी क्या करना पड़ेगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग विल बी सिंप्लीफाइंग इट, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट ओके, तो हम लोग इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल सॉल्व दैट इक्वेशन, अंडरस्टूड? यस सर, आवाज आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, ओके चलो, तो कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट इक्वेशंस एज 1 एंड 2 बच्चों, आई एम नॉट राइटिंग दोस इक्वेशन एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो इक्वेशन दिया है ना, तो गिवन इक्वेशंस को मैं कंसीडर नहीं करता 1 एंड 2, ठीक है, मैं उसको सिंपलीफाई करके मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसीडर करूंगा, गेटिंग मैंने क्या बोला अभी, ठीक है, तो गिवन इक्वेशंस को मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंसीडर नहीं करूंगा बच्चों, मैं क्या करूंगा बच्चों, जो इक्वेशन दिया उसको सिंपलीफाई करूंगा एंड लेटर ऑन आई विल कंसीडर एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके okay? अभी बहुत से बच्चों को क्वेश्चन है सर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, दिस इज अ इक्वेशन, ओके दिस इज अ इक्वेशन, हाँ अभी बहुत से स्कूल्स में या बहुत जगह ऐसा भी बोला जाता है जो दिया है उसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो और सिंप्लीफाई करके उसको इक्वेशन 2 कंसीडर करो, किया तो भी चलेगा बच्चों, नहीं किया तो भी चलेगा, मैं सिंप्लीफाई करके इक्वेशन 1 बना रहा हूँ, गेटिंग में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है चलो, तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, व्हाट इज दिस फ्रैक्शन, व्हाट इज दिस फ्रैक्शन 1/3 बराबर है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, व्हाट इज द डिनोमिनेटर 3 बराबर है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है बच्चों 3 है, क्या है डिनोमिनेटर 3 है, बराबर है ना, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 3 है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ द साइड, समझ में आया मैंने क्या बोला है, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों सेम है, इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेम डिनोमिनेटर दिया है ना उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन, कैसे ध्यान दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन या गिवन इक्वेशन by 3 on both sides,
ओके चलो तो कैसे होगा, 3 × 1/3x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे ना हम लोग, क्यों 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कौन बताएगा, 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये इक्वेशन को 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, हाँ यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है बराबर, इसलिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस फिर से ये इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल टू, ऑन बोथ साइड बोला है तो इधर भी और इधर भी 3 × देखो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर एक टर्म को, इधर भी 3 × क्या 10/3, 3 गेट्स कैंसिल, 3 गेट्स कैंसिल, तो व्हाट इज रिमेनिंग, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 10, कंसीडर एज इक्वेशन 1, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, यस सर, अंडरस्टूड, यस सर, डन, समझा, चलो अभी कौन है को बताएगा सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है तो तुम लोग बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई करो, वेरी गुड बच्चों, डन गुड। हाँ अगर अभी बहुत से लोगों को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है सर अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है आप तो क्या करेंगे, बराबर ना, बराबर सर, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे सर, ठीक है अगर यहाँ पे समझो 3 है सर यहाँ पे 2 है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे केसेस में बच्चों क्या करने का है तुम लोगों सुनो, ऐसे केसेस में बच्चों एलसीएम निकालना, क्या निकालना है तुम लोगों को, एलसीएम निकालना है, ठीक है एलसीएम आता है निकालने के लिए 3 और 2, इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों 3 और 2, ऐसे एलसीएम निकालते हैं हम लोग, या 2 और 3 लिखो, 2 1 जा, ठीक है ये 3 आया सीरीज बराबर है, ठीक है फिर ये 1 आया सीरीज, 3 1 जा, 2 3 जा कितना, एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम 6, कितने एलसीएम आया बच्चों 6, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है 1/3x + y = 10/2 तो यहाँ पे ये इक्वेशन को सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तुम लोग, 6 से, जो एलसीएम आएगा ना बच्चों उससे मल्टीप्लाई करना है, अंडरस्टूड, समझ में आया, इफ यू वांट तो मैं एलसीएम का एक अलग सा लेक्चर दूंगा तुम लोग का 15 to 20 minutes का, ओके अंडरस्टूड, समझ में आया एलसीएम कैसे निकालना, ठीक है अगर नंबर्स अलग अलग रहेंगे, अलग अलग नंबर्स डिनोमिनेटर्स अलग अलग रहेंगे तो एलसीएम लेना है हमको, एलसीएम जो आता है वो एलसीएम को वो इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना, अंडरस्टूड, ठीक है yes, sir. तो अभी सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अरे हाँ या नहीं, Yes, yes, sir. Sir. Yes, sir. बोलो ना यार तुम लोग भी, 2x + 1/4y = 1/4 एरिया है, मल्टीप्लाई बाय 1/4 ऑन बोथ साइड्स, तो वो हो जाएगा क्या होगा वो, सॉरी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ओके तो वो हो जाएगा 4 × 4y = 4 × 11/4, किसको एलिमिनेट करना है, ओके चलो वाई को एलिमिनेट करना है तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग,
मल्टीप्लाई इक्वेशन वन y, this is 3, 1 ठीक है, तो ये इक्वेशन को मेरे को यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा ना, सेम टर्म्स आना चाहिए कि नहीं, याद है ना मैंने क्या बोला था बच्चे, ठीक है सेम टर्म्स आना चाहिए कि नहीं, y को एलिमिनेट करना है तुम लोगों को, ठीक है तो यहाँ पे 1y है और यहाँ पे 3y है, ठीक है तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे भी 3 लाना है, इसलिए मल्टीप्लाई लो मल्टीप्लाई 2 by 3 ऑन बोथ द साइड्स, अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 को, तो अभी ध्यान मत दो, इक्वेशन 2 को मैंने कन्वर्ट कर दिया इक्वेशन 3, नाउ फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे, Add या subtract. Plus 3y है, यहाँ पे plus 3y है, both are like terms, yes, both are like terms, और दोनों का same addition है, तो क्या करेंगे subtract, very good बच्चों, क्या करेंगे हम लोग subtract equation 1 and 3, हाँ तो subtract करते हैं कौन सा equation ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, कौन बताएगा plus 3y is equals to 33 and x plus 3y is equals to 10, अभी minus इधर minus डाला तो इधर plus का क्या हो जाएगा बच्चों, minus इधर plus का क्या होगा, minus 24x minus 1x, 24x minus 1x that is what 23x that is 23x equals to plus 3x and minus 3x, plus 3x and minus 3x gets cancelled. Both are like terms with different signs. Both are like terms with different signs. एक plus और एक minus है, वो हमेशा cancel होगा. Next, 33 minus 10. 23. Very good. 1 x is equals to 23 upon 23 x is equals to 1 समझा understood yes sir put x is equals to 1 in equation 7 what is equation 1 x plus 3y is equals to 10 1 x is equal to 1 डाला बच्चों ठीक है plus 3y is equals to 10, 3y is equals to 10 minus 1, plus 1 इधर आया तो minus हो गया, 3y is equals to 9, y is equals to 9 upon 3, y is equals to 3, understood बच्चों, understood, yes sir, done, तो fraction आया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है LCM का मैं अलग से एक लेक्चर दूंगा उसमें थरली हो जाएगा एलसीएम कैसे निकालना है, नहीं ओनली मल्टीप्लाई करना है, यू कांट डिवाइड इट श्रुति, यू कांट डिवाइड इट, वी हैव टू ओनली मल्टीप्लाई श्रुति, ठीक है टर्म सेम लाने के लिए, देखो बच्चों टर्म सेम लाने के लिए तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अंडरस्टूड, तुमको दिख रहा है ना बच्चों, खिचड़ी नहीं दिख रही है ज्यादा, दिख रहा है ना लिखा हुआ, यस सर, यस सर, थोड़ा सा आगे दो, HD, ओके जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट क्लियर दिख रहा है,
Yes, sir. Okay, done. Yes, sir. So any doubts? कोई डाउट्स नहीं ना बच्चों? कोई डाउट्स ये सब में नहीं ना? No, sir. Okay, चलो शुरू करो. And you know how to write. Ending में तुमको सॉल्यूशन लिखना है, पता है ना? X comma y is 1,3 is the solution of the equation. Okay? चलो next sums बहुत अलग टाइप के sums हैं, बहुत अलग टाइप के sums हैं और बोर्ड्स के फेवरेट sums हैं वो. ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी. ओके चलो मैं रब कर रहा हूं बच्चों, होपफुली इसको डाउट नहीं रहेगा, समझ में आ रहेगा. ये सम के लिए इंपॉर्टेंट है एलसीएम पता होना चाहिए. अगर एलसीएम पता होता नहीं तुम लोगों को तो आंसर आ जाएगा बच्चों. डिजिटल बोर्ड ही अच्छा है यार, इसमें बहुत ना 10 बार रब करो फिर से लिखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सम ना. ओके चलो स्टार्ट. सॉरी 6-7 सम. अमर कौन सा पीडीएफ, अमर कौन सा पीडीएफ है? भेजा ना अमर, भेजा है अमर, भेजा है पीडीएफ अमर, पीडीएफ भेजा है. तूने चेक नहीं किया ऐसा बोलना, मैं को ब्लेम कर रहा है. अमर पीडीएफ भेजा है. यस पल्लवी खड़पकर वाई हाथ के ऊपर कर ले. ठीक है चलो स्टार्ट करते बच्चों. 7 सम दिख रहा है ना? यस एक्स प्लस 101 वाई इज इक्वल टू 499. This is my equation one, huh? Arrange करके दिया है. Arrange करना मतलब you know that है बच्चों. Arrange करना मतलब constant term right hand side पे है, variable term left hand side पे है, constant term right hand side पे है. ठीक है तो this is my first equation. Next 101 x plus 99 y is equals to 501. This is my second equation. Okay. चलो क्या दिख रहा है दोनों इक्वेशन में, कुछ अलग दिख रहा है दोनों इक्वेशन में? क्या अलग दिख रहा है बच्चों? The value of coefficients are intersection. Value of y in the second equation same. बच्चों तो कोई values of coefficients are what? Interchange. Coefficients are क्या? Interchange ना? Yes. Very good. हमेशा ये तुमको पहले identify करना आना चाहिए ना बच्चों, ये अलग type के sum से. ठीक है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अलग टाइप के सम से है बच्चों. ये क्या होता है मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों. कभी भी कोई इक्वेशन दिया है ना, फर्स्ट चेक ऑन देयर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स को चेक करो. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन देखता हूँ तो मेरा एक्स का कोएफिशिएंट 99 है एंड वाई का कोएफिशिएंट 101 है. आई टोल्ड ओनली टू चेक ऑन कोएफिशिएंट्स नॉट ऑन कॉन्स्टेंट्स. इसको देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है वो कुछ भी रहने दो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है. वी हैव टू जस्ट चेक ऑन कोएफिशिएंट, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसके ऊपर ध्यान देना है. ओके कांस्टेंट टर्म के ऊपर ध्यान देना नहीं है बच्चों. गेटिंग? तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 99 है, y जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 101 है. वेयर एल्स इन सेकेंड इक्वेशन x का कोएफिशिएंट 101 है एंड y का कोएफिशिएंट 99 है. इसका मीनिंग क्या हो गया? पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स था उसका कोएफिशिएंट 99 था, वो सेकेंड इक्वेशन में वाई का कोएफिशिएंट हो गया, वेरिएबल वाई का कोएफिशिएंट हो गया. एंड पहली इक्वेशन में वाई का जो कोएफिशिएंट था
उस सेकेंड इक्वेशन में एक्स का हो गया, बराबर है कि नहीं? हाँ या नहीं, बराबर है कि नहीं बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए दोनों के, ये इधर है और ये इधर है, इसको लेना देना नहीं है हमको कुछ, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। तो कभी भी ऐसे टाइप ऑफ सम्स, ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस अगर ऐसा रहेगा कंडीशंस कि कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है, तो हमेशा बच्चों उसके लिए दो प्रोसीजर यूज करना है, वो सॉल्विंग के लिए दो प्रोसीजर यूज करना है बच्चों। फर्स्ट इज टू ऐड द इक्वेशन एंड सेकेंड इज टू सबट्रैक्ट द इक्वेशन। समझ में आ रहा है? कभी भी कोई भी सम में अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं बच्चों, योर फर्स्ट स्टेप टू ऐड इक्वेशन, ऐड करना है इक्वेशन, तो ऐड करेंगे ना हम लोग इक्वेशन बच्चों, तो यू विल बी गेटिंग थर्ड इक्वेशन, तुम लोग एक नया इक्वेशन मिलेगा। लेटर ऑन यू हैव टू, सेकेंड स्टेप विल बी सबट्रैक्ट द इक्वेशन, यू हैव टू सबट्रैक्ट, कंपल्सरी ये करना है, पहले ऐड करेंगे तो तुमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, यू कंसीडर इट एज थर्ड इक्वेशन, ठीक है, उसके बाद कंपल्सरी सबट्रैक्ट करना ही है, तो सबट्रैक्ट करने के बाद यू बी गेटिंग और वन मोर इक्वेशन, यू हैव टू कंसीडर इट एज फोर्थ इक्वेशन, एंड फिफ्थ थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना, देन अगेन वी हैव टू सॉल्व द थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बाय एडिंग, adding third and fourth equation. So these are the steps, sir. Bachcho, these are the steps to be followed. In which type of sums I am talking about? Aise linear equation, aise linear simultaneous equation, jahan pe coefficients interchange ho gaye rahenge, to pehle humko add karna hai. Later on you have to add karne ke baad ek naya equation milega. Subtract karne ke baad aur ek naya equation milega. Phir do jaye do new equation. तो क्या करना पड़ेगा हमको पहले पहले क्या करना पड़ेगा add. Yes, add. क्या करेंगे हम लोग एड करेंगे ओके चलो एड इक्वेशन वन एंड टू ओके हाँ एड इक्वेशन वन एंड टू एड करने के बाद दिस इज 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499 दिस इज 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 एड करेंगे आप अच्छा क्या एड कितना होता है 99 प्लस 101 कितना हो गया कितना होगा यस 200 समझ में आया बच्चों ठीक yes. है नाउ द थिंग इज दैट जब मैं ऐड कर रहा हूं ना इसका भी कोएफिशिएंट और ये टर्म ये दोनों एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं बच्चों तो x और y के कोएफिशिएंट सेम आ रहे तो वही कोएफिशिएंट से डिवाइड करो समझ में क्या बोल रहा हूँ ऐड करने के बाद जो x और y के कोएफिशिएंट आएंगे उससे ही डिवाइड करना है बच्चों दिस रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ओनली दिस टाइप ऑफ सम्स जहां पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं ठीक है तो जो मुझे x का कोएफिशिएंट मिला y का कोएफिशिएंट मिला ये सॉल्व करके उससे ही डिवाइड करना है मतलब किससे डिवाइड करेंगे हम लोग Divide by what? 200 on both sides. क्या आएगा? 200x plus 200y. इसको 200 से divide. इसको भी 200 से divide. और इसको भी 200 से divide. चलो. 200 200 gets cancel. 200 200 gets cancel. 0 0 0 0 2 1 जा 2 5 जा. तो क्या है equation? x plus y is equals to 5. This is my third equation. Understood, bachcho? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Samjha? Yes, sir. First step ho gaya mera, bachcho. Now, second step kya karenge hum log?
सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऊपर आएगा सर. वेरी गुड. सेकेंड इक्वेशन कहाँ आएगा बच्चों? ऊपर आएगा, बराबर है ना. सेकेंड इक्वेशन किधर आएगा? ऊपर आएगा. ओके, दिमाग में रखो ये चीजें. सबट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू. ग्रेटर कौन सा है? ये 101 है, ये 99 है, तो ये बड़ा है ना, तो ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, बराबर. तो क्या आएगा? 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 एंड 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499. सबट्रैक्ट, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कितना आएगा? 2x 101 माइनस 99, 2x प्लस 99 माइनस 101 माइनस 2 माइनस 2 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस किया. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 101 बड़ा है, उसके सामने वाला साइन कौन सा है? माइनस का. इक्वल टू 501 माइनस 499, कितना आया? हां 2. अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड. हाँ, अभी फिर से वही, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे भी y का कोएफिशिएंट सेम है, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? टू ऑन बोथ साइड्स, बराबर है, ठीक है. तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी कैंसिल कैंसिल कैंसिल. X minus Y is equals to 1. This is my fourth equation. Add करने के बाद third equation मिला, subtract करने के बाद fourth equation मिला. Next, अभी क्या करेंगे? Third और fourth equation add. Yeah, why to add बच्चों? कौन बताएगा मेरे को क्यों add करना है बच्चों? Like terms and different signs. हाँ, very good यार. तूने किसने बोला है? वेरी गुड, वेरी गुड. दीक्षा है कि नहीं आज लेक्चर में? वेरी गुड बच्चों, समझ में आया. दिस इज प्लस वाई, दिस इज प्लस वाई एंड दिस इज माइनस वाई, ठीक है. प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल होगा ना, दो देर आर लाइक टर्म्स विद डिफरेंट साइन, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 3 and 4. ओके, थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा? x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 1. इसको ऐड करो, प्लस y एंड माइनस y गेट कैंसिल, x प्लस x इज 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6. समझा? अभी मल्टीप्लीकेशन है बच्चों, तो डिवाइड होगा. x is equal to 6 upon 2, x is equal to 3. Put x is equal to 3. How many equations you have now? Total 4 equations hai na tumhare paas. Theek hai, to mujhe 4 equation mein se sabse easy wala third dikh raha hai. Out of 4 equations, the easiest equation is third wala. To main usme substitute karunga. Ha. Put x is equal to 3. What is equation 3? X plus y is equal to 5. 3 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 3. Y is equal to 2. Therefore, the solution of the equation is 3, 2. Understood? Ye 3 markers hai. And aise type of sums, bacho, they mostly ask in activity. Ha. Shruti, that is wrong, Shruti. Theek hai? That is actually wrong. और उसके थ्रू आंसर मिलता भी नहीं ज्यादा करके. That is actually wrong, Shruti.
ठीक है, कोएफिशिएंट्स बच्चों जहां पे भी इंटरचेंज होते हैं ना बच्चों, इफ द कोएफिशिएंट्स आर इंटरचेंज, हमेशा ध्यान रखो तीन प्रोसेस करना है सॉल्विंग में. यू हैव टू फर्स्ट ऐड द इक्वेशन बच्चों, इक्वेशन ऐड करने के बाद तुमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, कंसीडर एज थर्ड इक्वेशन. उसके बाद सबट्रैक्ट करो इक्वेशन को, सबट्रैक्ट करने के बाद बच्चों यू विल बी गेटिंग वन मोर न्यू इक्वेशन, इक्वेशन एंड देन जो न्यू इक्वेशन मिले थर्ड एंड फोर्थ उसको ऐड करके यू विल बी गेटिंग फाइनली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल या द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? यस सर. यस सर. यस सर. सर आवाज आ रहा है ना बच्चों? आवाज आ रहा है कि नहीं? यस सर. अब बोलो ना यार, मैं टेंशन में आ जाता हूँ ना फिर, किसका आवाज नहीं आ रहा है करके. ओके चलो आएगा बच्चों. क्वेश्चन था? यस 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 यस. बोलो बोलो सर. जब हमें थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिलता है तो उसके बाद कंपलसरी एडिशन ही करना है. हाँ हाँ, वाई सारा ऐड करना है, समझ में? ऐड ही क्यों करना है सारा? क्योंकि जो इक्वेशन मिलेगा ना थर्ड और फोर्थ सारा, इट शुड ऑलवेज बी एक तो प्लस में होगा और एक तो माइनस में ही होगा. एक तो प्लस में होगा एंड एक माइनस में ही होगा. ऐसे ही इक्वेशन मिलना चाहिए हमेशा ध्यान में रखो बच्चों. समझ में आया? जब भी ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे ना, एक इक्वेशन तुमको एडिशन में मिलेगा और एक इक्वेशन तुमको सबट्रैक्शन में ही मिलना चाहिए बच्चों. गेटिंग में क्या बोल रहा तुम लोगों को समझ में आया ना? देन ओनली आगे जाके ऐड करके इजीली सॉल्व हो जाता है ना वो. ठीक है, ये समझा सम तुम लोगों को? इसमें कुछ डाउट्स है क्या? सो आई कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? नो सर. नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए मैं बोल रहा नेक्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों. सेम स्टेप्स यूज करना है लेकिन कुछ अलग भी टेक्निक्स यूज करनी है. ये समझ में आया तुम लोगों को? ये समझ में आया बच्चों? यस सर. एक्सक्यूज मी सर. यस यस बोलो सर. इक्वेशन थ्री मिलने के लिए डिवाइड करना जरूरी है? यस यस यस, इट शुड बी डिवाइडेड बच्चों. वेरी गुड वेरी गुड. जिसने भी क्वेश्चन पूछा ना, वेरी गुड, मेरे को रिमाइंडर दिया तुम लोगों ने बच्चों. हमेशा जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे ना, ऐड करेंगे ना, तुमको हमेशा ऐसे ही आने वाला है. जो x का कोएफिशिएंट रहेगा, जो y का कोएफिशिएंट रहेगा, डिवाइड करना ही है यहाँ, हमेशा ध्यान में रखो. समझ में आया? डिवाइड करके तुमको x प्लस y, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है तुमको मैं बताता हूँ. ऐसे टाइप ऑफ सम्स में ना तुमको हमेशा x प्लस y एंड x माइनस y चाहिए हमेशा. ये दिमाग में रखो तुम. ये सम्स जहां कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं बच्चों, इसमें हमेशा एक इक्वेशन x प्लस y में आना चाहिए और एक इक्वेशन x माइनस y में ही होना चाहिए. ये फिट कर लो दिमाग में. और अगर दो इक्वेशन मिलेंगे मुझे आगे जाके, दैट विल बी थर्ड इक्वेशन, दैट अदर विल बी फोर्थ इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को फाइनली ऐड ही करना है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ऐसे टाइप ऑफ सम जहां पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होते हैं ना बच्चों, ये सम्स में तुमको x प्लस y एंड x माइनस y निकालना ही है. x प्लस y एंड x माइनस y ही तुम्हारे थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस रहेंगे. समझ में आ रहा है? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर इन दोनों को आगे सॉल्व करना है. ये दोनों कंपलसरी आना ही चाहिए, एक एडिशन में और एक सबट्रैक्शन में, एंड फाइनली फिर ऐड करना है तुम लोगों. अंडरस्टूड? यस और नो? बच्चों डन? समझा बच्चों को? जहां पे इंटरचेंज होते हैं तुमको दो इक्वेशन आएंगे, आइदर इट विल बी एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा अलग है, मैं वो तुमको बताता हूँ बच्चों. ये जो सम किया ना तुम लोगों ने, इसमें दोनों इक्वेशन एडिशन में है, बराबर है कि नहीं बच्चों? ठीक से देखो बच्चों,
ये जो सम किया हम लोगों ने दोनों इक्वेशन एडिशन में है, ठीक है, दोनों इक्वेशन एडिशन में बराबर है कि नहीं? ठीक है, अभी जो नेक्स्ट सम करेंगे ना बच्चों, ठीक है, जो नेक्स्ट सम करेंगे ना बच्चों, वो दोनों इक्वेशन माइनस में रहेंगे, दोनों इक्वेशन माइनस में रहेंगे। देखो नेक्स्ट सम में दोनों इक्वेशन माइनस में, मैं अभी ये रब कर रहा हूं बच्चों, यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए बच्चों? यस सर, यस सर, इंटरचेंज हो गए। यस सर, दोनों इक्वेशंस पॉजिटिव में दिए कि नेगेटिव में दिए? नेगेटिव। तो तुमको कुछ तो मीनिंग समझा इसका, मतलब जब कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज होंगे ना बच्चों, तो आइदर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एडिशन में दिया जाएगा या दोनों इक्वेशन किस में दिया जाएगा? सब्ट्रैक्शन में। एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है ये सम एप्लीकेबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Either they will be giving both equation in negative, या either they will be giving both equations in positive, ठीक है? कौन से sums में जहाँ पे coefficients interchange होता है वहाँ पे either दोनों equation positive में तो रहेंगे या दोनों equation negative में तो रहेंगे? Positive और negative नहीं आएगा जब coefficients interchange होंगे। समझा? ये fit करके लो, हाँ ये fit करके लो जो मैंने बोला तुम लोग। Understood? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह बोला नहीं जाता है बच्चों को, समझ में? बहुत जगह बच्चों को बोला नहीं जाता, इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, इसलिए उनको कंफ्यूजन होता है, फिर रॉन्ग करके बैठ। समझ में हो गया फिट? ओके थैंक यू। चलो अभी करो स्टार्ट। तो सर अभी दोनों माइनस है और दोनों के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? पहले ऐड करेंगे कि नहीं? क्या करेंगे बच्चों? हम लोग ऐड करेंगे ना? यस, वी विल बी एडिंग and equation 1 and 2 फटाफट टाइम नहीं है बस। 49x minus 57y is equals to 172 and 57x minus 49y is equals to 252। चलो एडिशन मारो, मगर एडिशन कितना आएगा? 106। यस कितना आएगा? 106x आगे माइनस प्लस 57 और 49 का प्लस किया, लेकिन हम लोग माइनस का साइन डालते, बराबर है कि नहीं बच्चों? माइनस एंड माइनस, मैंने प्लस किया ना, माइनस प्लस yes. किया, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 57 है, साइन माइनस का, इसलिए माइनस आया। अंडरस्टूड? किसको नहीं समझा ये स्टेप? अंडरस्टूड बच्चों? यस सर। आ रही समझ में आया? यस सर। ओके, माइनस प्लस किया, लेकिन बड़ा नंबर 57 साइन माइनस के से माइनस, किसका? ये दोनों पॉजिटिव है। 172 प्लस 252 कितना आएगा? 424। वेरी गुड, बराबर। अभी सारा ने एक क्वेश्चन किया था, सर देखो इधर x और y का सेम आएगा क्या हमेशा? देखो सारा सेम आया है कि नहीं? इधर भी x का सेम है, कोएफिशिएंट y का भी कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं? है कि नहीं? yes, किसके लिए डिवाइड करेंगे बच्चों? और सिंपलीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 106। समझ में आया फाइनल तुम लोगों को? डिवाइड बाय 106 ऑन बोथ साइड्स, इसलिए 106x अपॉन 106 माइनस 106y अपॉन 106 इज इक्वल टू 424 अपॉन 106। रिड्यूस करो, ये गया, ये भी गया, रिड्यूस 106 और 424 कितना का टाइम जाता है? 4 This is my third equation. बराबर है बच्चों? समझ में आया?
यस सर यस सर अभी प्रूव करेंगे सर प्रीवियस सम में हम लोगों ने ऐड किया ऐड करने के बाद हमको x प्लस y आया था प्रीवियस सम में बराबर है कि नहीं अभी यहाँ पे x माइनस y आया सर ऐड करने के बाद बराबर है ना क्वेश्चन प्रीवियस सम सर हम लोगों ने ऐड किया था तो ऐड करने के बाद हमको x प्लस y आया था लेकिन अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करने के बाद हमको x माइनस y आया क्यों पता है बच्चों ऐसा फर्क पता है इक्वेशन के वहां पे बच्चों वहां पे इक्वेशन पॉजिटिव में थे जो भी इक्वेशन थे पॉजिटिव में थे ना मेरे पास तो ऐड करेंगे अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज थे और दोनों इक्वेशन पॉजिटिव में है तो ऐड करने के बाद तुमको x प्लस y ही मिलेगा whereas अगर दोनों इक्वेशंस नेगेटिव में है और ऐड करने के बाद तुमको x माइनस y मिलेगा ये दिमाग में रखो समझा मैंने क्या बोला अगर दोनों इक्वेशन बच्चों पॉजिटिव में है और कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है तो ऐड करने के बाद यू विल गेट x प्लस y एंड अगर दोनों इक्वेशंस नेगेटिव में है और कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है तो ऐड करने के बाद तुमको x माइनस y मिलेगा अंडरस्टूड बच्चों समझा यस सर कौन सा बड़ा है दोनों में कौन सा बड़ा है सब्ट्रैक्शन के वक्त सेकंड बड़ा है इक्वेशन टू हाँ ऊपर आएगा माइनस करने के बाद साइन चेंज होगा ये माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस होगा ओके चलो कितना आता है 6x ना 8x माइनस 49 प्लस 57 प्लस 8x साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 57 yes. साइन कौन सा चेंज करके हुआ है वो प्लस है ना बच्चों दिस विल बी सर ओके इज इक्वल्स टू 252 माइनस 172 कितना आया 77 हाउ मच 77 नहीं सर 80 आएगा ना बच्चों देखना है 2 - 2 = 0 25 में से 17 जाएगा ना समझा ओके डिवाइड बाय यहाँ पे 8 आया डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स दैट विल बी 8x अपॉन 8 प्लस 8y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 8 आगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 10 दिस इज माय फोर्थ इक्वेशन अंडरस्टूड बच्चों जल्दी चलो टाइम निकल के जा रहा है अंडरस्टूड yes, समझा नाउ लास्ट स्टेप क्या करेंगे एडिशन वेरी गुड किसका एंड थर्ड एंड फोर्थ में 3 and 4 3 एंड 4 समझ में उतनी दो ऐड करो तो क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 10 ऐड कर रहे हैं हम लोग प्लस y माइनस y गेट्स कैंसिल बच्चों x plus x is 2x 4 plus 10 is 14 understood bachcho theek hai yes sir x is equals to 14 upon 2 x is equals to 7 yes. okay aage put x equals to 7 a equation 4 main equation 4 mein aa raha hai isi wala likhna hai ko x plus y equals to 10 7 plus y is equal to 10 y is equal to 10 minus 7 y is equal to 3 understood bachcho understood yes sir yes sir yes sir any doubts bachcho
चालू है ठीक है सुनो मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों जब भी कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज रहेंगे और इक्वेशन सबट्रैक्शन में रहेगा इक्वेशन सबट्रैक्शन में रहेगा और हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड कर लेंगे हमको x माइनस माइनस में मिलेगा इक्वेशन मिलेगा और सबट्रैक्ट करेंगे तो हमको प्लस में मिलेगा वेयर एज एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है जब इक्वेशन एडिशन में रहेगा अगर दोनों इक्वेशन प्रीवियस समय दोनों इक्वेशन पॉजिटिव थे तो ऐड करके हमको इक्वेशन प्लस में ही मिलेगा और सेपरेट करके माइनस में ही मिलेगा और फिर फाइनली ऐड करते हैं हम लास्ट फेज तो सबको सेम ही है ऐड ही करना है एंडिंग में समझ में मेजर डिफरेंस क्या है बच्चों ठीक है अगर कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज है और इक्वेशंस माइनस में है तो ऐड करेंगे तो हमको माइनस में इक्वेशन मिलेगा सेपरेट करेंगे तो हमको एडिशन में इक्वेशन मिलेगा पॉजिटिव में समझ में आया क्लियर है और फाइनली तुमको पता है ऐड ही करना पड़ता है और इक्वेशन अगर पॉजिटिव में रहेंगे अगर पॉजिटिव में इक्वेशन रहेंगे अगर पॉजिटिव में इक्वेशन मतलब इधर भी प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा तो ऐड करेंगे तो इक्वेशन पॉजिटिव प्लस में ही मिलेगा एंड सेपरेट करेंगे तो भी इक्वेशन माइनस में ही मिलेगा फाइनली ऐड कर अंडरस्टूड बच्चों चलो एनी डाउट्स ये सब ज्यादा करके बच्चों एक्टिविटी के फॉर्मेट में पूछते हैं अगर ये साल बोर्ड का एग्जाम हो गया रहता ना ये सम श्योरली आने वाला था बोर्ड एग्जाम में ऐसा टाइप ऑफ सम श्योरली आने वाला था बोर्ड एग्जाम में ओके चलो नो डाउट्स था बच्चों लेकिन देखो आज कुछ नया क्या सीखने मिला है तुम लोगों को बच्चों ये छोटी छोटी जो चीजें बोला है ना मैंने प्लीज नोट करो ये सब चीजें तुम लोग चाहिए तो मैं एक लिख के भेजूंगा नोट करके ठीक है व्हेन द इक्वेशंस आर इन एडिशन फॉर्म और अगर हम लोग ऐड करेंगे तो इक्वेशन विल बी इन एडिशन फॉर्म सबट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन विल बी इन सबट्रैक्शन फॉर्म एंड फाइनली वी हैव टू ऐड द इक्वेशन ये मैं लिख के भेजता हूँ तुम लोग को नोट वो दिमाग में रखो समझ में आया तो नया क्या पढ़ा हम लोग एलसीएम का एग्जाम नया पढ़ा बच्चों और कोएफिशिएंट जहां पे इंटरचेंज होते हैं उसके स्टेप्स देखे हम लोगों ने पहले ऐड करना है फिर सबट्रैक्ट करना है एंड फाइनली आगे ऐड करना है टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल थ्री मार्क्स अंजलि मोस्ट प्रोबेबली थ्री ये सम्स ना एक्टिविटी फॉर्मेट में ज्यादा आते हैं बच्चों ऐसे सम्स एक्टिविटी फॉर्मेट में ज्यादा आते हैं आई मीन मैं आज ज्यादा सम्स नहीं दूंगा मैं हार्डली दो ही सम्स ये सम्स मैं खुद दूंगा तुम लोगों को ठीक है इसका फोटो कॉपी भेजूंगा असाइनमेंट्स के लिए भी मैं सम दूंगा ऐसे प्लीज गो थ्रू सॉल्व करो प्रॉपरली ओके जो भी कुछ डाउट है बच्चों सैटरडे के असाइनमेंट्स का और आज के असाइनमेंट का हम लोग कल कंप्लीट करेंगे डोंट वरी और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ओके बच्चों चलो कुछ डाउट नहीं ना तो ये वीक में भी हम लोग तब तक इस पे लेंगे जूम पे लेंगे बहुत से पेरेंट्स का भी मुझे फोन आया सर प्लीज इतना वीक में जूम पे लेना रिकॉर्ड हो रहे हैं लेक्चर्स डोंट वरी लेकिन प्लीज डोंट रिकॉर्डिंग पे भरोसा मत रख के चलो कि हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा हमको देखेंगे ऐसा करो मत बच्चों लाइव अटेंड करो ठीक है लाइव में ही बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है ओके बच्चों चलो बस करें आज के लिए ओके असाइनमेंट जिनको भेजना है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं नहीं तो हम लोग कल तो यहाँ पे डिस्कस करने ही वाले हर एक असाइनमेंट का सैटरडे का असाइनमेंट और आज का असाइनमेंट ओके चलो बाय बच्चों टेक केयर ओके मिलते हैं कल के लेक्चर में सेम टाइमिंग है 1:00 ओके सी यू टुमारो बाय टेक केयर